हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम सागर क्लास में। दोस्तों, कल आपको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है क्योंकि कल मेरे पास माइक नहीं था, जिसके चलते मेरी आवाज़ स्पष्ट नहीं आ पा रही थी। कल ब्लूटूथ से आ रहा था, जिससे आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा और शायद ही इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, कल जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, उन्हीं के अनुसार को मैं 2 मिनट के अंदर अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट बताया था, यदि आपको ए अनुपात बी की कोई वैल्यू दी गई है, मान के चलिए 7:3 दिया गया है, ठीक है, और आपको यदि बी अनुपात सी इक्वल टू 4:5 दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे। दोस्तों देखो, पहला तरीका इसके लिए ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया था, इसको लिखेंगे आप 7:3 और इसको लिखेंगे 4:5। इसके लिए ये तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस तरीके में क्या है, आप एक बार छत से, मैंने बताया था जब आप छत पर होते हैं तो आप एक सीढ़ी नीचे जाते हैं, फिर एक सीढ़ी ऊपर जाएंगे और एक सीढ़ी नीचे जाएंगे, अर्थात इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। 7 का 4 में गुणा करेंगे 28 आएगा, 4 का 3 में गुणा करेंगे 12 आएगा और 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 आएगा। इस तरीके से इसका आंसर हो जाए। और जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन दिया जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें ये तरीका बेटर नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके में आपको काफ़ी सामना, मतलब काफ़ी समस्या हो सकती है, काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेंथी हो सकता है। इसके लिए आपको क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वैसे लिख देना है। इसी के कारण आपको लिखना है ए की जगह ए अनुपात बी, ए की जगह ए अनुपात बी के स्थान पर आपको लिखना है 2, ठीक है दोस्तों। इसके बाद बी अनुपात सी, तीन अनुपात 2 दिया गया है, बी की जगह आपका 3 हो जाएगा, अनुपात सी की जगह 2। इसके बाद सी अनुपात डी, सी की जगह 5, अनुपात 6। मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये जगह और ये जगह, इतनी जगह आपको खाली दिख रही है। इसके बाद मैंने आपको बताया था जो जगह खाली दी गई हुई उसके सामने उसके बगल पे जो अंक है उसी को हम लगा देंगे। यहाँ पर अनुपात लगाना दोस्त नहीं भूलेंगे, इससे क्या है, हमारे गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ पर 2 है तो इस पर भी 2 और इस पर भी 2 आकर अंकित कर देंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस 2 को आप यहाँ पर नहीं लिख सकते क्योंकि इससे पहले आपका 3 लिखा हुआ है। ये 5 है तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, यहाँ पर 5, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब जो इजी हो गया है, इन सबका गुणा करना है, इन सबका गुणा करना है, इन सबका गुणा करना है। गुणा करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आंसर होगा। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि चारों लाइनों में किसी एक पहाड़े से, मतलब किसी एक टेबल से, यदि चारों लाइनों दी गई हैं उसमें से कोई भी दिक्कत आ रहा है तो काट सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सोचें कि इसको 2 2 2 ये काट दें। यहाँ पर 2 का कोई गुणा ही नहीं दिया गया है तो इसको नहीं काटा जा सकता, इसीलिए इनको गुणा करते हैं। कल भी मैंने आपको यही बताया था, चूँकि आवाज़ नहीं आ रही थी, हो सकता है आपको समझ में आया हो, इसलिए आज देख लीजिए 5:3 15:15 अनुपात 5:3 15 2 30 अनुपात 5:10 2 20 अनुपात 6:12 2 24 दोस्तों ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। कल मैंने आपको ये दो टॉपिक बताए थे, मैंने आप आज आपको रिवाइज करा दिए। कल मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको समझा दिया था। देखो दोस्तों, कल मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे, जैसे कि आपको मैंने बताया था इनवर्स रेशियो, जिसे व्युत्क्रम निष्पत्ति बोलते हैं, व्युत्क्रम निष्पत्तानुपात, बहुत हिंदी में बहुत ही अजीब टाइप का है, लेकिन इंग्लिश में आप कहेंगे इनवर्स रेशियो बताया था, जैसे ए अनुपात बी का इनवर्स रेशियो निकालते हैं तो इसका उल्टा हो जाता है बी अनुपात के, ठीक है। इसी प्रकार मैंने आपको बताया था वर्ग मूलानुपात या वर्गानुपात या घनानुपात या घन मूलानुपात, 5 फॉर्मूले कल मैंने आपको बताए थे, इसको आप एक बार देख लेना। फिर भी यदि नहीं समझ में आते हैं तो जब मैं जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा या बीच में क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, क्योंकि हमारे पास शाम है, बाउंड्री से रहती है। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, a/b + c = 2/3 तथा b/a + c = 5/7, तो सी की वैल्यू मैं देखोगेगा। देखो दोस्तों, इसमें सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन को देखने से हमें पता चल रहा है कि a/b + c = 2/3 और b/a + c = 5/7। हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर a, b, c और a, b, c, अर्थात हम इन दो तीनों को यदि जोड़ते हैं तो क्या आएगा, यदि इन तीनों को जोड़ते हैं तो हमको यदि मिलता है एक तरीके से a+b + c = 3/5।
और यहाँ पर भी आप जोड़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी करता है चार पाँच बारह। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पर इस तरीके से, लेकिन यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी ये भी है और ये भी ए प्लस बी प्लस सी ही है, तो ये पाँच और ये बारह कैसे संभव है? जब ऐसा संभव नहीं है तो हम इनको बराबर करने की कोशिश करेंगे। जब बराबर करने की कोशिश करेंगे तो हम इसमें कर देंगे बारह का गुणा और इसमें कर देंगे पाँच का गुणा, अर्थात ये बराबर हो जाएंगे। मेरे कहने का मतलब है बारह का गुणा इन दोनों में करेंगे और पाँच का गुणा इन दोनों में करेंगे। गुणा करके देखते हैं दोस्तों, बारह गुणा इसमें करेंगे तो बारह दुना चौबीस बटे बारह तीन छत्तीस आपको मिल जाएगा ए बटे बी प्लस सी बराबर ये मिल गया। इसके बाद इसे पाँच में गुणा करते हैं तो पाँच गुणा जब पाँच में करेंगे तो आएगा पच्चीस, पाँच गुणा सात में करेंगे तो आपका आएगा पैंतीस, आपको मिलेगा बी बटे ए प्लस सी। देखो दोस्तों आप ये आप पहला समीकरण मान लीजिए, दूसरे समीकरण मान लीजिए, देख लेते ए की वैल्यू यहाँ पर पच्चीस है, बी की ए की वैल्यू सॉरी चौबीस है, यहाँ बी की वैल्यू पच्चीस है। अब आप सी की वैल्यू निकाल सकते हैं, सी की वैल्यू मतलब ये आप देख पा रहे हैं बारह गुणा पाँच कितना हो रहा है सात, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी टोटल कितना हो गया सात। जब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू साठ है तो ए की वैल्यू चौबीस है, बी की वैल्यू पच्चीस, तो हम इन दोनों की वैल्यू जोड़ लेते हैं या फिर इसमें रख लेते हैं तो हमारे हो जाएगा चौबीस प्लस पच्चीस प्लस सी इक्वल टू सात। हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारा हो जाएगा फोर्टी नाइन सी बराबर सात, सी की वैल्यू निकालेंगे तो सात माइनस फोर्टी नाइन सी बराबर निकालेंगे तो आपका आएगा ग्यारह आंसर। ये होगा आपका क्वेश्चन काफी अच्छा है दोस्तों, जिस दोस्त ने इस क्वेश्चन का रिवाइज नहीं किया होगा तो ये हो सकता है कि एक मेजर ये क्वेश्चन ना बने, लेकिन दोस्तों किसी टाइप के क्वेश्चन आपके ग्रुप डी और आपका जो यूपी कॉन्स्टेबल है, जो वन डे एग्जाम है, छोटे छोटे एग्जाम है, यूपीएसआई में भी पूछ लेते हैं, क्योंकि इस बार की यूपीएससी पेपर मैथ काफ़ी सिंपल थी और सबसे लेंथ। दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बारह पर, क्वेश्चन नंबर बारह दिया गया है इस टाइप से दिया गया है आपको ए अंपर वैल्यू कुछ नहीं, ये भी कुछ यहाँ पर हम सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे, वन में जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा थ्री ए प्लस फाइव, फाइव कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा फिफ्टी ए माइनस पच्चीस बी। दोस्तों थ्री ए उस साइड जाएगा बी इस साइड आएगा तो आपका हो जाएगा पच्चीस बी प्लस फाइव बी बराबर फिफ्टी ए, थ्री ए आप प्लस का हिस्सा करेंगे माइनस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा थर्टी बी इक्वल टू ट्वेल्व। अब यहाँ काट सकते हैं, दो से काट दीजिए, दो से काटेंगे यहाँ छः आएगा, यहाँ पर पंद्रह आएगा, यहाँ तीन से काटेंगे दो आएगा, यहाँ पर पाँच आएगा, अर्थात हम छः से काट सकते थे सीधे तो हमें मिल गया बी की साइड चला जाएगा, यहाँ पर ये पहले से मौजूद है ये बराबर है करके बी यहाँ चला जाएगा बी, यहाँ पर आपका फाइव मौजूद है ये दो साइड आ जाएगा, अर्थात आपको मिल जाएगा ए अनुपात बी बराबर पाँच अनुपात दो। एक तो ये आपका इसका फैसला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका आया तेरहवा, क्वेश्चन नंबर तेरहवा कहा गया है इस टाइम क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, किसी भी आप पेपर में देख लेना इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अभी देखिए तो देखते हैं, यदि तीन संख्याओं का योग सिक्सटी नाइन, तीन संख्याओं का योग सिक्सटी नाइन है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार है तथा दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात सात अनुपात पाँच है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले देखो तीनों में जब योग दिया गया है तो संख्याओं को हम क्या करते हैं स्मॉल ए बी सी इस तरीके से मान लेते हैं तो हमारा लगाना और सिंपल हो जाएगा, वही जो हमने शुरुआत में किया उसी टाइप का होगा। देखिए इसमें स्पष्ट कहा गया पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार है, अर्थात हम मान के चल सकते हैं, लेकिन हम मानेंगे ए बी ये तीनों संख्याएं हो गई है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात तीन अनुपात चार, ठीक है, और दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात सात अनुपात पाँच है, अर्थात दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात चार अनुपात सात अनुपात पाँच, ठीक इस टाइप से दिया गया है। तो ये हमने आपको बताया था वही सर से एक बार नीचे जाएंगे फिर पचड़ेंगे फिर नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू मिल जाएगी सबकी इक्कीस को अट्ठाईस बीस, अर्थात इसका गुणा इसका गुणा और इसका, ठीक है, ये हमको मिलेगी ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। लेकिन उसमें कहा गया है तो दूसरी संख्या क्या होगी इन देखो, क्योंकि देखो पहली संख्या ए बराबर ये अभी फिर क्या करते हैं एक दो तीनों को क्या करते हैं ऐड करते हैं, क्योंकि उसमें कहा गया है जितने संख्याओं का योग कहाँ होता है, चलो जोड़ के देख लेते हैं इनका योग कितना होगा, जोड़ने का मिलता है आठ के
इंसान का योग 69 है, एक व्यक्ति को ऋषि वाला 69 मिल रहा है, तो इसमें स्पष्ट हो जाएगा कि आपको दूसरी संख्या का मान पूछा है, अर्थात बी की वैल्यू आपकी निकलती है, अर्थात जो बी बराबर होगा उसका मान होगा। सुन दिया हम लोगों को, ऐसा करता हूँ, सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर शुरुआत का वही कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, हमने ए अर्थात बी अर्थात सी का वैल्यू निकाला, हमने वैल्यू ऐड किया तो वही 69 आया जो हमको क्वेश्चन में दिया गया था, इससे हमारा क्वेश्चन और सिंपल हो गया। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, यदि दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, बी अनुपात सी बराबर 4 अनुपात 5, यदि सी का मान 45 है, देख पा रहे हैं, यदि सी का मान 45 है तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। इसके लिए भी वही बी सी का मान दिया गया है, इसके लिए भी दोस्तों वही आपको ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू ज्ञात करनी है, अर्थात ए अनुपात बी दिया गया है 2 अनुपात 3, बी अनुपात सी दिया गया है 4 अनुपात 5, जब हम इसका ए अनुपात बी अनुपात सी निकालते हैं तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर एक बार ऊपर जाएगा और फिर एक बार नीचे आएगा, ये हमको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान मिल गया। इसके बाद चूंकि उसने कहा है सी का मान 45 है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सी का मान कितना है 15, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने सी का मान दिया गया है वो आपका 3 गुना है, कितने गुना दिया गया है दोस्तों 3 गुना दिया गया है, तो स्पष्ट है ए का मान भी 3 गुना होगा और बी का मान 3 गुना होगा। तो क्या करते हैं, ए प्लस बी का मान निकालना था, जब ये आपका मान 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा, 8 का 3 गुना करेंगे 24, प्लस 12 का 3 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 गुना 24, 12 की 36, और जब इनको जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 6 4 10 0 3 5 60 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है, 3 सहेलियां तानिया निशा और अंजू ने एक केक मारकर खाया, निशा ने केक का एक बड़े 3 हिस्सा खाया जबकि अंजू ने एक बड़े 2 हिस्सा खाया, तानिया का हिस्सा क्या होगा यदि केक 600 ग्राम का है, केक दिया गया है 600 ग्राम का। ठीक है ना, देखते हैं, निशा अनुपात अंजू अनुपात तानिया, ठीक है हम इसको अनुपात में लगाते हैं, देखते हैं जब निशा ने आपका 1/3 हिस्सा खाया, अंजू ने आपका 1/2 हिस्सा खाया, तो तानिया ने क्या हिस्सा खाया होगा, इसके लिए क्या है फिर क्या मान चलते हैं, उसमें टोटल दिया गया कितना है, टोटल 600 ग्राम, टोटल कितना है, टोटल है 600 ग्राम। देखते हैं इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं, अर्थात इन दोनों का हम जब एलसीएम लेंगे तो आएगा कितना 6/8 था, हमारा जो पूरा हिस्सा होगा एक तरीके से हम 6 मान के चलेंगे, कितना मान के चलेंगे 6, अर्थात निशा ने 1/3 हिस्सा खाया, 6 का जब 1/3 निकालेंगे तो निशा का हिस्सा निकलेगा कितने भाग, अर्थात 2 भाग, निशा ने खाया 2 भाग और अंजू ने कितना खाया होगा 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे 2 को मल्टीप्लाई से, अर्थात 3 भाग, टोटल हमारा एलसीएम आया था कितने भाग 6 भाग, अर्थात 2 भाग निशा ने खाया, 1 भाग आपका 3 भाग आपका अंजू ने खाया, तो तान्या ने कितना खाया होगा, इस पर 3 2 5 6 में 5 चला जाएगा, तान्या ने खाया होगा 1 भाग, अर्थात टोटल भाग हमारा कितना है 6, क्योंकि टोटल ऑफ कितने ग्राम पर दिया गया है केक 600 ग्राम पर दिया गया है, अर्थात 6 बराबर 600 ग्राम काटेंगे तो 1 बराबर आपको मिलेगा 100 ग्राम, और आप देख रहे हैं तान्या ने 1 भाग ही खाया है, अर्थात तान्या ने 100 ग्राम ही खाया। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है, राहुल के परिवार का मासिक बचत व्यय अनुपात 3:8 है, अर्थात देखिए क्वेश्चन को देखिए समझिए, राहुल के परिवार का मासिक बचत और व्यय, यहाँ पर बचत दिया गया है, यहाँ पर व्यय अनुपात दिया गया है, बचत अनुपात व्यय दिया गया है 3:8, यदि किसी महीने में परिवार की आय, देखिए आय होती है, आय से ही बचत होती है और उसी से ही व्यय होता है, अर्थात बचत और जब हम व्यय को जोड़ लेते हैं तो जोड़ने पर हमारी बनती है क्या आय, देखिए उन्होंने आय दे दी है 27,500 रुपये, लेकिन यहाँ पर बचत और व्यय का वर्णन उन्होंने किया है अनुपात, अनुपात में अर्थात में इसको एक्स मान के लगाना बहुत पुराना स्टाइल हो गया, सीधे चलते हैं, बचत और व्यय को यदि हमें दोनों को जोड़ते हैं तो 11 आता है, अर्थात 11 हमारी क्या हो जाएगी आय, यहाँ पर जब आय 11 दी गई है और टोटल आय दी गई है
27,500, 11 के बराबर आपका हो जाएगा 27,500। और जब हम एक बराबर निकालेंगे तो उसको काटेंगे 11 दुना 22 और 11 55, तब अर्थात एक बराबर आपका आएगा 2,500। एक क्या, एक भाग। तब आपसे पूछा क्या, पूछा गया है तब बचत कितने रुपये होगी। यहाँ पर देखिए बचत का अनुपात आपको स्पष्ट किया गया था कितना, 3। बचत का अनुपात दिया गया था 3। जब एक बराबर 2,500 है